हल्द्वानी के सभी स्टोन क्रशर रविवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, लिहाजा हजारों मजदूरों और वाहन स्वामियों के ऊपर रोजगार का संकट मंडरा रहा है। गोला, निधौर सहित दूसरी नदियों में खनन निकासी कर वाहन स्वामी दो दर्जन से अधिक स्टोन क्रशर रेत, बजरी, गुलान का काम करते थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा कथित उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाने के साथ ही क्रशर एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसके साथ ही सभी स्टोन क्रशर बंद हैं और वाहन मालिक और हजारों मजदूर अब बेरोजगारी की कागार पर आ चुके हैं। गौरतलब है कि तीन दिन पहले ही शासन ने गोला नदी में खनन की अनुमति बढ़ाई थी, लेकिन क्रशर बंद होने से फिर से ये संकट खड़ा हो चुका है। बेरोजगार हो जाएंगे, जब गोला बंद होगी तो बेरोजगार होना ही है उनको। अब ये लेबर रुकेगी नहीं, लेबर तो अपना घर जाएगी, यहाँ क्या करेगी बैठ करके। हाँ वो तो हो ही रहा है, मान लीजिए हम जब यहाँ हैं गोला में ही कलम काम करना है तो पेट तो इसी हम लोग अपने ऐसे ही कर रहे हैं, काम खींच रहे हैं, ऊपर से जो है ये हो गया है बंद का। अब क्रेशर में आमदनी तो कुछ भी नहीं है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस समय जो है स्थिति है। लेकिन इस समय डिमांड ठीक उठ रहा था, इस समय लॉस तो हजारों गाड़ी मालिक बेरोजगार होने वाले हैं। हजारों लेबर जो बाहर बिहार इस साइड से आती है, बगैर लेबरों के तो कुछ काम होना भी नहीं है। और सरकार से मेरा यह है कि अनुरोध कि जल्दी से जल्दी अगर गोला को खुलवा दें तो लेबर जो है जाने से रुक जाएगी और गोला का काम सुचारू